इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। बेटा, हम तो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आते हैं, फिर क्यों? क्यों तुम्हारी मम्मी हमसे नफरत करती है? सरला, प्रवीण, तुम लोग इतने घबराए क्यों हो? मेरे बेटे विभो, विभो, क्या हुआ तुम्हारे बेटे को? कि हमारे बेटे को सीधा उठा कर ले आई है, सब पड़ोसियों ने देखा। मेरे साथ आओ, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बेटे को। आजो जल्दी आओ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। दिया, दरवाजा खोलो। देखो, वो तुम्हारी माँ थी। हाँ, हम दोनों की दुश्मन है वो, उसके पास नहीं जाना। हाँ देखिए, जल्दी दरवाजा खुलाइए, नहीं तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मेरे बेटे की जान को खतरा है। क्या दरवाजा खोलो, विभू को बाहर लेकर आओ। देखो, उसकी माँ लेने आई है। क्या जो प्रणाम देती है वही माँ प्यार कर सकती है? हाँ, मैं तो उससे भी ज्यादा प्यार करती हूँ तुझे। उसने तुझे पैदा किया है तो वही तुझे प्यार कर सकती है। मैं उससे भी ज्यादा प्यार करूंगी और हमेशा करती रहूंगी। और उससे मुझे तुझसे मिलने नहीं दिया, अब मैं तुझे तुम नहीं जाने दूंगी, तो मेरे पास ही रहेगा। अरे अरे दरवाजे तोड़ दूंगा दरवाजे को। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। हाँ, कहीं नहीं जाने दूंगी। भाई साहब। अरे प्रवीण, क्या हुआ? अमित भाई साहब, मेरा विभू अंदर है। दिया, मेरे बेटे को लेके बैठे अंदर, अभी दरवाजा नहीं खोल रहे। हम कब से कोशिश कर रहे हैं। सिया, सिया दरवाजा खोलो। सिया देखो, मैं अमित। सिया प्लीज दरवाजा खोलो। सिया देखो, अगर दरवाजा नहीं खोलूंगी तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। सिया क्या किया तुमने? सिया सिया क्या किया इसने तुझे? तेरे लगे तो नहीं तुझे? सिया 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 सिया, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ सुनो ना अमित, बैठो ना। क्या हुआ? सॉरी अमित, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे पाई ना। ये सब सोचना बंद करो सिया। हाँ, ये सब नहीं सोचते, और भगवान की कृपा रही तो हमारी गोद जल्दी पड़ जाएगी। हाँ, पर बच्चे से पहले मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, समझती हो ना तुम? आई लव यू। एक तो इस घर को बच्चा नहीं दे पाई, और ऊपर से इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, किसी का बच्चा उठा के ले आई। अरे शर्म कर शर्म। माँ, ये सब टाइम नहीं है ऐसी बात करने का। अब देख रही है ना सिया की क्या हालत है। दूध पी लेना। अच्छा, तुम मुझसे वादा करो, आइंदा कभी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे मुझे हर्ट हो।
मैं वादा करती हूँ मैं आगे से कभी भी कुछ ऐसा नहीं करूंगी। अच्छा ऑफिस के लिए मुझे देर हो रही है, अभी मैं चलता हूँ, वो अपना ख्याल रखना। सुनो ना मैं भी बाहर तक आती हूँ। अरे तुम आराम करो। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं आती हूँ। बाय, आई लव यू। लव यू टू। पत्नी से गणेश खोया प्यार पाए काले जादू का तोड़ गारंटी के साथ करवाए, निराश औरतें माँ बनने का सुख प्राप्त करें, गारंटी के साथ इलाज मिले भोली दीदी से। मधु जी आराम से बैठ के बात करते हैं ना। आराम से? अब तो थाने में बैठ के बात करेंगे। मिस्त्री शाम बहन तेरे पेट में 100% बच्चा ही है। मैं अपने पति को सब बता दूंगी और पुलिस को भी लेकर आऊंगी। हम साबित कर देंगे बहन कि तुम्हारे पेट में बच्चा ही है। करो साबित करो। साबित करो। करो साबित कैसे करोगी? ऐसे भोली दी इसका विकेट तो गया, बेहोश हो गई है। भोली दीदी बोल रहे हैं। हाँ भोली जी हम सिया सिन्हा बोल रहे हैं, नोएडा में ही रहते हैं, हमें ना आपसे मिलना है। क्या प्रॉब्लम है आपको? जी वो हमारी शादी को ना 7 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं है। संतान नहीं हुई? ठीक है अब सोमवार को आ जाओ। जी ठीक है मैं आ जाऊंगी। थैंक यू। ठिकाने लगा दो इसे। जी दीदी। संभाल के रखना इसको, काम आएगी। और इसके पति को यहाँ के बारे में कुछ जानकारी तो नहीं है ना? नहीं दीदी किसी को नहीं पता, ये तो चुपके चुपके आते थे। चुपके चुपके बैठो यहाँ पे। बबीता कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ दीदी,
आपके बताए गए इलाज से मैं बहुत खुश हूँ और आपकी कृपा मुझ पे हो गई दीदी। दवाइयां नियमित रूप से शाम के खाने के 15 मिनट बाद खाती रहना। जी दीदी। सब अच्छा हो जाएगा। थैंक यू दीदी। अब जाओ, खुश रहो। आओ, आप चलिए। बैठो। बिल्कुल बीचों बीच। सिया जी, कितने साल हो गए शादी को? जी 7 साल। इलाज करवाया? जी बहुत करवाया, लेकिन अब सब इलाज बंद। हमारा इलाज शुरू। जी तेरे घर का दरवाजा इस दिशा में है सिया? पूरब। हमें तेरे घर आना पड़ेगा। ये इलाज शुरू करने से पहले कुछ जरूरी जांच करनी है, बहुत जरूरी। जी ठीक है, आप आइएगा। हम आएंगे, जरूर आएंगे। सिया इधर आओ। क्या कर रही है मम्मी जी आप? ये इधर आओ, ये ले, इस पेपर पे साइन कर। क्या है ये? पढ़ ले। एनओसी? मतलब मैं हम इनको दूसरी शादी करने की परमिशन दे दूं? लेकिन क्यों? जब तू 7 साल में एक बच्चा भी नहीं दे पाई है तो कम से कम अमित की दूसरी शादी के लिए परमिशन तो दे दे, ताकि मेरे घर में एक वारिश तो पैदा हो जाए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं माँ बनूंगी, सरल बनूंगी। अमित किसी और का नहीं हो सकता। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं हो सकता। हमें देखो, ये मुझसे मम्मी जी क्या साइन करवा रही है। आप मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा, समझी आप? चलो सिया। कहते हैं कि ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने मां बनाई। और यह भी कहा जाता है कि मां बनना हर स्त्री का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई स्त्री मां नहीं बन सकती तो उसके अंदर कोई कमी है। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी। क्राइम अलर्ट की आज की इस कहानी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक और चौंका देने वाला किस्सा। आपने अक्सर देखा होगा कि अधिकतर जुर्म, खासकर की ऑर्गेनाइज क्राइम्स और स्कैम्स, ये सफल इसलिए होते हैं क्योंकि वो हमारे अंदर की असुरक्षा की भावना का फायदा उठाते हैं। सिया भी एक ऐसी ही असुरक्षा की भावना से ग्रसित थी। वजह थी 7 साल शादी होने के बावजूद भी उसके बच्चा नहीं हुआ था। सिया की इसी असुरक्षा, डर और दर्द का फायदा उठाया बोली दीदी जैसी फ्रॉड ने। सिया पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इतनी बेचैन और इतनी मायूस थी कि वो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि ये टोना टोटका, झाड़ फूंक सब एक छलावा है।
आइए देखते हैं क्या सिया इस जंजाल से निकल पाएगी या वो भोली के जाल में फंस कर रह जाएगी। मिश्री थोड़ी हल्दी मिलेगी अपनी अलमारी में रखना पर ये झंडा इसे हमेशा हमेशा पहने रहना रक्षा करेगा तुम्हारी। तकिए के नीचे रख लीजिएगा और याद रहे जब तक हम न कहें इसे खोल कर मत देखना नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ये सबके 5,000 लगेंगे। अमित चल। ये लीजिए। मिश्री आप लोग दोनों यहाँ से जाएं। भोली दीदी को सिया से कुछ बात करनी है। किसी ने काला जादू किया है तुम पर। क्या तुम्हारी कोख को बांध दिया है कि तुम मां न बन पाओ। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसा ही हुआ है। ऐसा ही हुआ है। कल आ जा हम तुम्हारा इलाज करेंगे लेकिन इलाज बहुत बड़ा होगा बहुत खर्चीला है इसलिए पैसे भी ज्यादा लगेंगे। और हाँ अगर इलाज आधे में छूट गया तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा इसलिए पूरे पैसों का इंतजाम करके आना। जी ठीक है मैं जरूर आऊंगी। चिंता मत कर सब ठीक हो जाएगा। दीदी आप जो करना करिए पर कुछ ऐसा करिए कि मेरी बहू मां बन जाए। आप चिंता ना करें हम है ना भोली दीदी सब ठीक कर दें। Thank you.
देखो तुम्हें इस काले बिंदु में क्या दिखाई देता है? कौन है जिसने सिया की कोख को बांध दिया है? बताओ मिस्री, कौन दिख रहा है? एक औरत है जो लगभग 50 साल की है। उसके सर पे एक जूड़ा है और उसके हाथ में 2 सोने के कंगन हैं और माथे पे चंदन का तिलक है। बस तेरे इतना ही दिख रहा है मुझे। किसी ने काला जादू कर दिया है तुझ पे ताकि तू मां ना बन पाए, पर तेरे पति से तेरा तलाक हो जाए। नहीं, ऐसे कैसे? कौन करेगा और क्यों? ये तू ही जान सकती है सिया। लेकिन डर मत, हम है ना, हम इस काले जादू का काट कर देंगे। उठ। और इसके बीचों बीच बैठी रहना। जो हल्दी दी थी तुझे वो लाई है? जी। खोल दे। ऐसे कैसे? ये पीली हल्दी काली कैसे हो गई? काले जादू की वजह से। हमने कहा था ना तुझसे कि तेरे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है, तेरी कोख को बांध दिया है। सोच कौन है उसे? मम्मी जी, मेरी सास, हाँ, अमित और मैंने लव मैरिज की थी। मम्मी जी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। अमित के बहुत मनाने के बाद मम्मी जी मेरे साथ एक छत के नीचे रहने को तैयार हो गई। लेकिन वो बस सही समझ रही है तू? देख, अगर बच्चा चाहती है तो एक एक कदम फूंक के रखना पड़ेगा। और एक बात, इस सब काम के लिए खर्चा बहुत आएगा। तू तैयार है? ठीक है दीदी। दीदी एक मिनट। क्या है? दीदी मुझे माफ कर देना, आपके साथ मैंने बहुत गलत किया। फिबू आपका बेटा है और आपका ही रहेगा, बहुत ही प्यारा बच्चा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अरे क्या हो रहा है ये? बाहर क्यों खड़ी हो? चलो अंदर चलो। जब देखो तब किसी ना किसी बच्चे को घूरती रहती है। चलो चाहे जो कोशिश कर लो मम्मी जी,
आप अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगी। दुनिया में नहीं आएगा। मेरे बच्चे को वो मार देगी मेरे बच्चे को। सिया, कोई बच्चा नहीं है सिया, हमारा कोई बच्चा नहीं है। हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं लेकिन तुम अभी तक वहां नहीं बन पाई हो। सिया काम दो, सिया सब ठीक हो जाएगा। सिया तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। सिया ये निशान कैसा है तुम्हारे हाथ? ये वो भोली जी ने बनाया है, उनका ना कोई टोटका है, मुझे ना मां बनने में फायदा करेगा। सिया तुम पागल हो गई हो, ये जाओ इसे धोके आओ। नहीं, भोली जी ने कहा था कि उनकी टोटका ना उल्टा पड़ सकता है अगर उनकी बात नहीं मानी तो। सिया ये क्या है? सिया ये क्या है सब? ये तो ऐसा लग रहा है कि घर की बनी हुई है। सिया इसमें पता नहीं क्या क्या मिला हो सकता है, तुम कैसे खा सकती हो इसे? नहीं अमित, इसमें कुछ भी नहीं मिला है। पता है कितनी सारी औरतों की ना गोद भरी है भोली जी के पास जाके। प्लीज अमित, मेरी ये लास्ट कोशिश है, प्लीज मुझे करने दो ना। ओके सिया। शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा, फिर हम बाहर चलेंगे। चलो बाय, टेक केयर। बाय। अच्छा वाह, बाय। बाय बेटा। सिया अमित तो अभी ऑफिस गया है, अब तुम कहाँ जा रही हो? मम्मी जी हर बात का जवाब देना ना जरूरी नहीं है, आप ना अपने काम से काम रखा करो। जादू किया है तेरे ऊपर, लेकिन चिंता मत कर, हम है ना, ये काली गुड़िया इसे अपनी अलमारी में कपड़ों के बीच में छुपा कर रखना। दवाइयां देते ये ली, ये पाउडर रोज 2 चम्मच दूध में मिला के पीती रहना, और ये तेरी दवाइयां, इन्हें नियमित रूप से खाना। और एक बात, आज से अपने पति को खुश रखना, हर हाल में खुश रखना, हर रात उसके साथ अच्छा समय बिताना, समझ रही है ना? जी। और हाँ, अगर हमारे काम पर विश्वास रखेगी तो ही तेरा काम हो जाएगा और तू मां बन जाएगी। मैं विश्वास करती हूँ। सबसे जरूरी बात,
इस राज को अपने सीने में दफन कर देना, क्योंकि अगर तेरे पति को इसके बारे में पता चल गया तो शायद वो विश्वास ना करे और फिर शायद तेरे बच्चा होने की उम्मीद भी खत्म हो जाए। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं मां बनूंगी। जी भोली दीदी, ये रहे आपके 2,50,000 रुपए। मिस्री, खुश रहो। क्या बात है सिया, 15 दिन से रोजाना रोमांटिक माहौल बना रही हो। हाँ, एक मिनट, टाइम बता रहे, 8 बज गए, मुझे वो पाउडर घोल के पीने का टाइम हो गया है। मैं एक मिनट अभी आई। हाँ सिया, इतनी शिद्दत और नियम से तुम दवाइयां ले रही हो, हम भगवान से दुआ है कि तुम्हारी गोद जल्दी से भर जाए। सिया, क्या है बेटा? अलमारी में मैंने 2,50,000 रुपए रखे थे, किसी ने देखे क्या? कोई बोलेगा कुछ? अमित, मैं मां बनने वाली हूँ। बोली थी देखिए दवा काम कर गई। क्या कहा तुमने, सच है? हाँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू। मैंने कहा था ना, एक दिन भगवान हमारी जरूर सुनेगा। माँ, सिया माँ बनने वाली है अब, दादी और मैं पापा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी बहू माँ बनने वाली है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटा। मम्मी जी बस, आप इस बच्चे के बारे में ना अच्छा ही सोचना, आप क्या होगी ना, हाथ जोड़ते हैं हम। सिया, तुमने माँ से ऐसा क्यों कहा? और ये तो खुशी की बात है ना। I'm sorry अमित, तुम तो जानते हो ना माँ का रवैया। अच्छा, मैंने अलमारी में 2,50,000 रुपए रखे थे, तुमने देखे? वो मुझे मिल नहीं रहे। अमित, वो 2,50,000 रुपया मैंने भोली दीदी को दिया है, उन्हीं की वजह से तो है जो कुछ है। 2,50,000 रुपया उन्हें और देना है। क्या तुम खुश नहीं हो? भगवान ने हमें पैसा दिया अमित, और बच्चे की खुशी से बढ़ के है क्या पैसा? अरे नहीं, बच्चे से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, बाप बनने वाला हूं और इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। ये आपके बाकी के 2,50,000 रुपए। हमारा आशीर्वाद हमेशा हमेशा तुम दोनों के साथ है। जी भोली दीदी, मैंने 2 बार प्रेगनेंसी टेस्ट किया, लेकिन
दोनों बार टेस्ट नेगेटिव आए। कोई बात नहीं, तेरा मासिक धर्म तो रुका हुआ है ना, उतना ही काफी है। टेस्ट हर बार सही नहीं आता, उस पर भरोसा मत करो, हम पर करो। हम है ना? जी। मिश्री, एक औरत है मधु, आप ही की एरिया के आसपास रहती थी, कुछ दिनों से लापता है। आसपास के घर में पूछताछ कर रहा था, सोचा आपसे पूछ लूं। जी पूछिए ना साहब। कई दिनों से ढूंढ रहे इनको, आपके घर पे आते जाते लोगों ने देखा इनको। पता नहीं साहब कौन है ये, यहाँ तो नहीं आई और ना मैंने कभी देखा है इसे। ठीक है, अगर कुछ भी पता चले तो हमें इन्फॉर्म करना। जी। अच्छा दीदी, अब हमको डॉक्टर के पास जाना है, सोनोग्राफी करवाना है। करवा लेना, लेकिन अभी नहीं, जब हम बताएंगे तब। जी ठीक है। लेकिन सिया को प्रेग्नेंट हुए 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं और अब हमें सारे टेस्ट करवा लेने चाहिए, और मेडिकल साइंस भी काफी आगे निकल चुके हैं। मेडिकल साइंस ने आपको बच्चा दिया है? नहीं ना, हमारे कुछ नियम हैं, कुछ तरीके हैं, उसके हिसाब से चलेंगे तो सही रहेगा। पर ना अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। जी जी ठीक है, आप जैसे कहेंगे ना बिल्कुल वैसे करेंगे। हाँ हाँ चलो अमित। हाँ खुश रहो, खुश रहो। ए मिश्री। जी दीदी। ठिकाना बदलने का टाइम आ गया। जी। हाँ 10-15 दिन में डब फूटने वाले हैं। अरे सिया आराम से, जल्दी आराम से उतरो ना। जल्दी आओ मैं, जल्दी जल्दी। अंधविश्वास विश्वास की कमी की वजह से पैदा होता है। अमित और सिया बच्चे के लिए इतने तत्पर हो गए थे कि वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि जो काम साइंस नहीं कर पा रही है वो भोली दीदी जैसी औरतें कैसे कर सकती हैं। हम ईश्वर को और ईश्वरीय शक्ति को नहीं नकार रहे, लेकिन ईश्वर ने हमें बुद्धि भी दी है जिसका इस्तेमाल करना हम भूल जाते हैं, किसी से भी उम्मीद लगा बैठते हैं, और जब भी कोई हमारे सामने प्रस्ताव रखता है कि वो हमारे सपने साकार कर देगा तो हम बिना जांचे परखे उस पर भरोसा करने लगते हैं। भोली दीदी का भी यही धंधा था, उम्मीद बेचना, लोगों को ठगना, और वो अपने काम में इस कदर शातिर हो चुकी थी कि उसके मन में किसी का भी डर नहीं था, यहां तक कि भोली ने उस घायल औरत को भी अपनी कैद में रखा था। फिक्र ना करें, ये माथे का घाव तो हफ्ते दो हफ्ते में भर जाएगा। वैसे आप सब लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। कैसी गलतफहमी? सिस्टर दवाइयां। ये दवाइयाँ जो सिया पिछले 2-3 महीने से ले रही हैं, ये कुछ सप्लीमेंट्स हैं जिनमें कुछ मिक्स किया गया है जिसकी वजह से सिया के पेट के एरिया पे फैट इकट्ठा हो गया है, और ये जो पीली गोलियाँ हैं इन दवाइयों को लेने से मासिक धर्म रुक जाता है, इनफैक्ट औरत का रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी खराब हो सकता है। क्या डॉक्टर, आपके कहने का क्या मतलब है? सीधी सी बात है, सिया प्रेग्नेंट नहीं है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे ना बोली दीदी से और उनके इलाज पे मुझे पूरा भरोसा है। सिया ये तुम्हारी सोनोग्राफी रिपोर्ट और ये तुम्हारी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट जिससे साफ जाहिर होता है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो।
वैसे ये भोली दीदी कौन है? सिया संभालो अपने आप को। अरे जल्दी कर मिश्री, 20 लाख, 20 लाख हो गए, चल निकलते हैं। इसका क्या करना है? अरे इसको तो मैं भूल ही गई, इसका क्या करें? जी इंस्पेक्टर साहब, आप जल्द से जल्द भोली के एड्रेस पर पहुंचिए, वो औरत भाग भी सकती है। वैसे तो हम किसी की जान लेने में विश्वास नहीं रखते, लेकिन क्या करें? हाँ तुझे हमारे सारे रात जो पता चल गए हैं, उसे तो मारना ही पड़ेगा। जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। काला टोटका, जादू, क्या क्या बता रही थी मुझे? अंदाजा भी है तुझे कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी? ये क्या बोल रही है तू? इंस्पेक्टर साहब, ये वो औरत है जिसने मुझे चाकू मारा है। कई महीनों से बंद रखा है। झूठ बोल रही है। चल, ले चलो दोनों को। नहीं, छोड़ो। हमारे देश के डॉक्टर्स ने महज 67 डेज में दुनिया की दूसरी और भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी, ये बात है 1978 की, और आज हम 2020 में खड़े, उसके बावजूद भी हमारे देश में भोली दीदी जैसे फ्रॉड्स पनप रहे। क्यों? क्योंकि हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारे देश में बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज होने के बावजूद भी हमारा देश अंधविश्वास में तरक्की कर रहा है। इसमें भोली दीदी जैसे लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करते, हम खुद जाते हैं उन लोगों के पास। आप लोगों ने गौर किया होगा कि अखबार में अक्सर दो तरह की खबरें छपती हैं, ढोंगी बाबा ने किसी को लूट लिया, या फिर मेडिकल साइंस का एक और नया चमत्कार। इसके बावजूद भी हम लोग ढोंगी बाबाओं के पास जाते हैं चमत्कार ढूंढे। और रही बात सिया जैसी निसंतान स्त्रियों की, तो ऐसी स्त्रियां मां बनने की खुशी तो और भी तरीकों से प्राप्त कर सकती है, टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए या फिर किसी बच्चे को गोद लेकर। याद रखिएगा, हमारी जरा सी समझदारी और थोड़ा सा धैर्य भोली जैसे लोगों का धंधा बंद करवा सकता है। भविष्य में कभी भी अगर आप लोगों को भोली जैसे लोगों की मदद लेने की आवश्यकता पड़े, तो हमारी सिया की कहानी याद कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी में विदा लेता हूं आपसे, फिर मुलाकात होगी एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए, क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।